तो स्टेयरिंग कुछ इस तरह दिखता है। स्टेयरिंग का फील काफ़ी अच्छा है, ग्रिप काफ़ी अच्छी है। साथ ही में आपको लेफ्ट साइड की तरफ देखने के लिए मिल जाते हैं काफ़ी सारे कंट्रोल्स, जिसमें है कॉल रिसीव एंड रिजेक्ट का बटन, वॉल्यूम बटन, वॉइस कमांड, मोड का बटन। साथ ही में राइट साइड की तरफ देखें तो यहाँ पे मिल जाते हैं आपको, में आपको देखने के लिए मिल जाते हैं क्रूज़ कंट्रोल के बटन्स। साथ ही में बात करें इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में लेफ्ट साइड की तरफ आपको देखने के लिए मिल जाता है आरपीएम मीटर, उसी के नीचे आपको मिल जाता है आपको इंजन टेम्परेचर। राइट साइड में देखें तो गाड़ी की स्पीड दिखाता है, साथ ही में नीचे दिखाता है फ्यूल इंडिकेटर। बीच की बात करें तो बीच में आपको देखने के लिए मिल जाती है एक छोटी सी स्क्रीन, जिसमें काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है गाड़ी के बारे में। यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाता है टायर प्रेशर, और जो भी गाड़ी की वार्निंग्स आती है सब यहीं पर डिस्प्ले होती हैं। साथ ही मैं बात करूँ मैं स्टेयरिंग की ओवरऑल डिज़ाइन की, तो स्टेयरिंग का डिज़ाइन मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको स्टिचिंग देखने के लिए मिल जाती है। साथ ही में स्टेयरिंग की ग्रिप काफ़ी अच्छी है, और नीचे से देखें आप स्टेयरिंग तो ये फ्लैट दिया गया है। साथ ही में यहाँ पे सेल्टॉस की बैजिंग भी दी गई है।